हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कलर पेपर फॉर क्राफ्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेनी है एक प्लेट और उसमें थोड़ा सा वाटर आपको डाल लेना है। वाटर की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो कलर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फूड कलर, जो कि हर किचन में अवेलेबल होता है, एंड इसकी क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखूँगी ताकि जो हमारा कलर पेपर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बने। अब आपको दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड गाइस, ये कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। एंड इसको ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपको लेनी है A4 शीट। अगर आपके पास A4 शीट नहीं है तो आप ड्राइंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड सो गाइस, जो हमने व्हाइट पेपर लिया है, हमने उसको डिप करना है जो हमने कलर बनाया हुआ था, और वो चारों तरफ से अच्छे से डिप होना चाहिए कलर में। कहीं से भी कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए। सो गाइस, आपको उसको 1 या 2 घंटे के लिए धूप में क्लीन सरफेस पे रख देना है, यानी ये बहुत ही इजीली सूख जाता है। सो गाइस, जिस तरीके से हमने ऑरेंज फूड कलर से पेपर बनाया है, उसी तरीके से हम यहाँ पर ग्रीन फूड कलर से पेपर बनाएंगे। एंड गाइस, अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर एंड वो 10 रुपीज़ वाले कलर आते हैं, आप उससे भी बना सकते हो पेपर। आपके पास सिंपल डॉम्स के कलर है, आप उससे भी बना सकते हो। सारे कलर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर पेपर बनते हैं। सो गाइस, अब हम बनाने वाले हैं रेड कलर पेपर, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है स्केच पेन, जो कि बहुत ही पुराना है। सो गाइस, मैंने इसकी इंक निकाल के इसको करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं इसको जब कट कर रही थी तो मैंने सोचा ये कलर बहुत ही कम आया, तो उसमें मैंने दूसरा रेड कलर स्केच पेन है वो यूज़ किया। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर एक और शीट लिया एंड उसको मैंने डिप करना स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस, डिप करते समय आप एक बात ध्यान रखना कि आप कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इतनी जल्दी कलर नहीं आता है। तो आपको अच्छी तरीके से चारों तरफ से सारे कोनों को कवर करना है एंड इसको 1 या 2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है। तो गाइस, अब हम बनाने वाले हैं ब्लू कलर का पेपर। अगर आपके पास ये वाला कलर नहीं है तो आप, मैंने जो बताया आपको 10 रुपीज़ वाले कलर आते हैं उसमें भी ब्लू कलर आता है, बस आपको पानी की क्वांटिटी कम और कलर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। एंड इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद वाइट पेपर लेके फिर से उसको अच्छे से डिप करना स्टार्ट कर दिया। ना फिर इसको हम सेम प्रोसेस के साथ बना के इसको भी हमने 1 या 2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया है। सो गाइस, हमारे कलरफुल पेपर बनकर रेडी हो चुके हैं। एंड गाइस, आप लोग ध्यान से देखना, जो कि हमने फूड कलर से पेपर बनाए थे ऑरेंज एंड ग्रीन, उनका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कमेंट में बताना आज का वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।